हाय नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स हिंदी पर। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, श्यानता गुणांक, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, जो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो छात्र कक्षा 11 और 12 में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए। तो ये क्या होता है श्यानता गुणांक, यानी न्यूटन के अनुसार धारा रेखीय प्रवाह के लिए किन्हीं दो परतों के मध्य लगने वाला श्यान बल निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। यानी कि न्यूटन ने बताया था, जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, इस तरीके से मान लीजिए कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो ये द्रव की परतें हैं 1, 2, 3, 4। तो न्यूटन ने बताया था कि इन दो परतों के बीच जो लगने वाला श्यान बल है, वो श्यान बल परतों के संपर्क क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले रूल में उसने बताया, यानी दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल है वो परतों के संपर्क क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये प्रोपोर्शनल ए। और दूसरी बात उसने बताई, यानी ये परतों के बीच लगने वाला श्यान बल है वो इन दो परतों के बीच वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा ए प्रोपोर्शनल वेग प्रवणता, यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बाई वेग प्रवणता और श्यानता, इन दोनों के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट के हिसाब से अध्ययन कर सकते हो। तो मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, तो इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई। तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसकी जगह पर कोई नेतांक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर ये ईटा है, ये एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है जिसे हम श्यानता गुणांक कहते हैं। ईटा को हम कहते हैं श्यानता गुणांक, यानी ईटा का जो साइन है वो, सॉरी, श्यानता गुणांक का जो साइन है वो ईटा होता है। और इस फॉर्मूले में हमने ये प्लस माइनस लगाया है, इसका अर्थ है कि जो बल एफ है वो दोनों परतों के बीच अन्योन बल है, यानी यानी द्रव की ऊपरी परत आगे की ओर बल लगाती है और नीचे वाली परत पीछे की तरफ बल लगाती है। ये हो गया अन्योन बल का मतलब। अब ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले हम ए इक्वल टू एक और वेग प्रवणता यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एक मान लें, तो इन दोनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू प्लस माइनस ईटा। तो इसके हिसाब से हम श्यानता गुणांक की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो यानी श्यानता गुणांक क्या होता है, यानी किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस श्यान बल के बराबर होता है जो परस्पर संपर्क में स्थित एकांक क्षेत्रफल वाली द्रव परतों के बीच कार्य करता है जिसकी वेग प्रवणता एक होती है। तो यानी इसकी सहायता से हमने श्यानता गुणांक की परिभाषा निकाल ली। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम ईटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई। तो जो श्यानता गुणांक का सूत्र होता है वो ये होता है, और इसका विमीय सूत्र है, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अभी इसके मात्रक की बात की जाए तो एम के एस पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, और एक मात्रक होता है इसका सी जी एस पद्धति में जिसको हम बोलते हैं पॉइज। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, यानी पॉइज किसका मात्रक है, तो ये सी जी एस पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक है पॉइज, यानी एक पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।